खेलों का महासंग्राम जिसका हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो शुरू हो गया है। टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं दोस्तों। बैक टू बैक गेम्स हो रहे हैं, स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं और भरे हुए हैं ग्लासेस। मेरे को शायद इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज इस बार ना तो स्टेडियम भरे हुए हैं ना ही हमारे जो ग्लासेस है वो भरे हुए। हालांकि मेरा ग्लास पूरा भरा हुआ है, चीयर्स फॉर ओलंपिक, बट जो वहाँ पे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उन लोगों के लिए इस बार जो शराब है वो रेस्ट्रिक्टेड है। किसी भी तरीके की शराब, बियर, मदिरा वो नहीं पी सकते हैं, ना ही पी सकते हैं, ना ही पिला सकते हैं। तो मतलब यार पार्टी कैसे करेंगे? जब भी हमारे जो फेवरेट प्लेयर हैं वो मेडल जीतते हैं हमारी कंट्री के लिए तो हम करते हैं पार्टी, लेकिन पार्टी बिना शराब के कैसे होगी? बिकॉज शराब अलाउ ही नहीं है। कोविड के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यार हम इस बार जो शराब है वो नहीं सर्व करेंगे, ना ही जनरल पब्लिक को, ना ही दूसरे लोगों को, बिकॉज कोविड चल रहा है और कोविड के चलते हुए अगर हम शराब परोसेंगे तो हो सकता है कोविड और भी आगे बढ़ जाए। यार क्या दिल टूटने वाली बात करी है वहाँ की गवर्नमेंट ने। लेकिन चलिए आपका दिल जोड़ते हैं व्हील्स ऑफ विस्की के साथ और स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का। मैं आपका होस्ट शैलेंद्र प्रताप सिंह सीधा ले चलता हूँ आपको टोक्यो स्टेडियम के अंदर और दिखाता हूँ वहाँ का लाइव नज़ारा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कुछ रोचक घटनाएं जो हो रही है ओलंपिक के अंदर और क्यों शराब बैन कर दी गई है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों हर जीत का जो जश्न होता है वो शराब के साथ ही मनाया जाता है। पार्टी के अंदर अगर शराब ही नहीं है तो मतलब आप कैसे पार्टी को एंजॉय करोगे? लेकिन क्या करें यार, कोरोना वायरस के चलते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है शराब को। मतलब ओलंपिक स्टेडियम के अंदर ही नहीं, ओलंपिक स्टेडियम के बाहर भी आप शराब नहीं पी सकते हैं, ना ही रेस्टोरेंट्स में, ना क्लब में, ना पब में। तो मतलब यार कोई भी आपको सर्व नहीं करेगा अल्कोहल, शराब मैं तो पी लेता हूँ, तो मतलब कैसे चलेगा ओलंपिक का काम। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेवेन्यू को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, बिकॉज अल्कोहल के बेचने से भी बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है वहाँ की गवर्नमेंट को। लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस बार तवज्जो दी है सिक्योरिटी को कि आदमी अगर जिंदा रहेगा तो पीता रहेगा, जीता रहेगा चीते की तरह। तो इस बार वो सोच रहे हैं कि थोड़ी जो चीते हैं उनका प्रोडक्शन कम करें तो अल्कोहल को हम बैन कर देते हैं, हम इस बार अल्कोहल नहीं सर्व करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर चलो अल्कोहल आप सर्व नहीं कर रहे हो, खाना भी तो सर्व कर रहे हो, तो यार खाना क्यों बैन नहीं है? रेस्टोरेंट्स खुले हुए, शराब भी बैन है, तो क्या शराबी ही कोरोना फैलाता है? कुछ ऐसा है क्या? यार मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। शराबी तो प्यार जो है, व्यवहार जो है वो बढ़ाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में फूड भी तो सर्व हो रहा है तो मे बी उससे भी तो यार कोरोना हो सकता है। बट गवर्नमेंट ने न जाने क्यों सोचा और टारगेट करा सिर्फ शराबियों को ही कि शराबी ही शराब से कोरोना फैलाएंगे। यार शराबी इतने भी शराबी नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा तो शराब नहीं पी ली मैंने, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्हीं सभी रेस्ट्रिक्शन के लगने के बावजूद कई ऐसे खास लोग हैं, कई ऐसे विस्की लवर्स हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल को नहीं माना है और वो लोग मदिरा सेवन करते हुए पकड़े गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। आप समझ सकते हैं ना मतलब कितनी भारी घटना है ये, और ये कोई जनरल लोग नहीं है, जनरल पीपल नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है, ये है एथलेटिक्स स्टाफ के लोग जो कि अल्कोहलिक पार्टी के अंदर गए थे और अल्कोहल के मजे उड़ा रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि भैनचोद, मतलब बिना चिल्लाए तो काम होगा नहीं ना, चिल्लाना तो बहुत जरूरी तुम लोगों के लिए, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है इसमें यार। वो जो सुअर का बाल तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर है ना, वो चक्कर क्या है, वो तुम्हें चैन से बैठने देता नहीं है। लेकिन अब चैन से बैठने की बात तो छोड़ो, अब तुम चैन से लेट जाओगे क्योंकि जो कमिटी वाले हैं ना वो टॉर्च लेके तुम्हारे पीछे पड़ गए। मतलब बहुत शौक था ना स्पॉटलाइट में आने का, अब आओ ढंग से स्पॉटलाइट में, अब वो करेंगे तुम्हारा गैंग बैंग। और अपने घर जाने के बाद, अपने देश में जाने के बाद एल तो तुम्हारे अलग से ही लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक सवाल होगा कि अब इन खिलाड़ियों पे क्या एक्शन लिया जाएगा? तो जहां तक मैंने सुना है कि यार इनको गेम से तो बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अच्छी खासी जो पेनल्टी है वो इन लोगों पे ठोकी जाएगी दबा के। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि शराब पीना क्या इतना बड़ा गुनाह है ओलंपिक के अंदर?
दोस्तों हर बार तो नहीं था बट इस बार ही था। अगर हम बात करें ओलंपिक की जो प्लेबुक है उसमें लिखा हुआ क्या है, ओलंपिक की जो बाइबल है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो खिलाड़ी है, जो एथलीट है, वो शराब पी सकता है लेकिन अकेले में, कमरे में जाके कुंडी लगा के चुपचाप अकेले को चीयर्स बोलता हुआ वो शराब पी सकता है। लेकिन अगर वो कहीं ग्रुप के अंदर, क्लब में, पब में, रेस्टोरेंट में शराब पीता हुआ मिल गया तो उसको दुगना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना लगान वसूलेंगे कमेटी वाले, समझे। तो ये था हमारा खास एपिसोड अबाउट ओलंपिक। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार इवेंट चल रहा है तो क्यों ना एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाए जिसमें बताया जाए कि आखिर अल्कोहल और ओलंपिक्स का क्या रिलेशन रहता है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं एथलेटिक्स के लिए, क्या रूल रेगुलेशन रहते हैं व्यूअर्स के लिए। हालांकि रूल रेगुलेशन इस बार ही हुए, हर बार तो नहीं होते थे लेकिन इस बार थोड़ा कुछ खास कर दिया है इन्होंने। और दूसरी बात ये थी कि यार हम ओलंपिक बैठ के देख रहे हैं टीवी के अंदर, वहां तो नहीं जा पा रहे अपने प्लेयर्स को बूस्ट करने के लिए, लेकिन यहां से बैठे बैठे तो हम बूस्ट कर सकते हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एक रोचक बात बता दूँ मैं आपको जाते जाते, कि उन्होंने वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एक लॉ क्रिएट कर दिया है ओलंपिक है जब तक, कि वहाँ पे लोग सिर्फ अकेले या सिर्फ एक आदमी के साथ ड्रिंक कर सकते हैं, विस्की पी सकते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, रेस्टोरेंट में, पब में, क्लब्स में, जहाँ भी जाके उनको पीना है, लेकिन वो एक ही आदमी के साथ जा सकते हैं या फिर अकेले बैठ के उनको चीयर्स करना पड़ेगा। और उसके अंदर भी टाइमिंग है कि सिर्फ 90 मिनट्स ही बैठ के पी सकते हैं, मतलब पैक पियो, 3-4 पैक पियो, ऐसे 90 मिनट्स गुजारो, 90 मिनट गुजारो गुजरात में नहीं, सॉरी टोक्यो के अंदर, और उसके बाद फिर आप उठ के चल जाओ। और उसका भी एक टाइम फिक्स है कि सुबह 11 से शाम को 7 बजे के बीच में ही आप ये एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तो ये पर्टिकुलर कुछ जनरल रूल्स निकाले वहाँ की गवर्नमेंट ने ताकि कोविड नहीं फैले, क्योंकि सिर्फ शराब से ही फैलता है उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड जो कि मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ और मेरा भी अब घर जाने का टाइम हो गया। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस वीडियो को और प्यार बढ़ाते चलें इस वीडियो के साथ, इसको शेयर करते हुए। चलिए चलता हूँ, बाय बाय, गुड बाय एंड चीयर्स। मौसम अच्छा हो रहा है जयपुर में आज, मैं तो पीऊँगा दबाटे, बाय।